बाबू सर टॉप में ऐसा खास कुछ है नहीं, पर एक चीज ये खास है, साइकिल आप चला सकते हो यहाँ पे। मैंने करना है लेकिन टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि आज ही आज हमें हंसा पहुँचना है। बेसिकली यहाँ पे बस गुजारा लाइक है, बस एक नाम बन गया है बाबू सर टॉप, कुछ है ये सबसे ऊपर है। लेकिन सर्दी में मत आना भाई, सर्दी में बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। सितंबर के बाद तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ी होती है। टाटा टाटा। क्या बना रहे हो? कॉफी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। अभी हमारे लिए क्या बना रहे हो? आपके लिए चाय बनाते हैं। देख लो भाई की शक्ल, चाय भाई यहीं से पीना तो अच्छी बनी। तो कल मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, इसको थोड़ा सा मक्खन लगा दिया जाए ताकि हमारे को चाय अच्छी पिला दे। और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई जैसा कि आपको पता है बाबू सर टॉप जा रहे हैं, वहाँ से एक आध घंटा दे के डायरेक्ट हम निकलेंगे हुंजा। हुंजा आज पहुँचना है, आज हमारा टारगेट है कि हुंजा पहुँचना है। तो मतलब पहुँचना है कुछ भी करके, भले 10 घंटे की ड्राइव हो लेकिन पहुँचना है हुंजा। क्योंकि कल से हुंजा के पॉइंट शुरू करने हैं हमें घूमना, कि 3 दिन या 4 दिन हमारे पास बात होंगे और बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास अभी मौजूद हैं जो कि हमें जाना है, वरना स्किप करना पड़ेंगे अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो। तो खैर टाइम ज़ाया नहीं होने देते, हमारा अभी तक गाड़ी वाला आया ही नहीं, वो अपने घर गया था फैमिली से मिलने। लेकिन उसने कहा था मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन 8 बजे हम तैयार बैठे हैं, गाड़ी वाला अभी तक हमारे पास पहुँचा नहीं है। तो हम यहीं पर ही बैठ के उनका वेट करते हैं, जैसे आते हैं फिर निकलते हैं। गाड़ी वाला भी आ चुका है, हमारा सामान वामान सारे पैक हो गए और अब जाके बैठते हैं गाड़ी के अंदर और फिर निकलते हैं बाबू सर टॉप। जैकेट उतार दें क्योंकि आगे बहुत गर्मी मिलने वाली है, यहाँ सर्दी है, फिर बाबू सर टॉप पर सर्दी मिलेगी, फिर हुंजा साइड पे सर्दी मिलेगी, अभी बहुत गर्मी है। तो अभी निकलते हैं। वे रास्ते में एक बहुत ही हसीन जिसे कहते हैं ना, वैसा मनाजिर हमने देखा है, लुलू सर झील, जो कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। सी दिस, ये पहाड़ हैं और ये पहाड़ नहीं, ये इसका रिफ्लेक्ट आ रहा है, इसको कहते हैं लुलू सर झील। ये पहाड़ का रिफ्लेक्ट आता है इसके अंदर, इतना हसीन मंजर, सुभान अल्लाह। ये बादल भी आ रहे हैं, ऐसा कोई प्यारा मंजर है, टूर पे आने का पैसा वसूल हो जाता है, यकीन करो ऐसा माइंड फ्रेश हो जाता है, ऐसी अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी हो। बहुत हसीन मंजर है, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। यहाँ का पूरा व्यू और यहाँ के छोटे बच्चे अफगानी हैं, ये टोटल पीछे जो एरिया लगता है सारे अफगानियों का बसेरा है, मतलब यहाँ पे मकामी लोग हैं, 30-35 साल से ये लोग रह रहे हैं, अपने आप के तहत यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, मशीनरी भी है इनके पास, रास्ते बनाना रास्ते खोलना ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो रास्ते में पॉइंट मिला था, सोचा आपको दिखाऊँ। तो चलते हैं भाई वापस से अपनी मंजिल की तरफ, बाबू सर टॉप। तो भाई आबशार का पानी भरने जा रहे हैं हम, पानी खाए भर गया। बाबू सर टॉप पहुंच चुके हैं, ये भी हमारा रूट नहीं है भाई, ये भी समझो ग्रेवी में आए पड़ा है, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। वो सामने बर्फ दिख रही है आपको, अभी भी यहाँ पे बर्फ मौजूद है। बाबू सर टॉप में ऐसा खास कुछ है नहीं, पर एक चीज ये खास है, साइकिल आप चला सकते हो यहाँ पे। टाइम हमारे पास है नहीं क्योंकि आज ही आज हमें हुंजा पहुंचना है। यहाँ के सीन से भाई कुछ भी नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है बाबू सर टॉप में, बस ऊंचाई है 13,720 फीट पर है, ठीक है। हम इससे भी ऊपर जाना है, अभी थोड़ा सा नीचे जाएंगे गिलगित साइड पे, फिर वापस से हुंजा साइड के लिए हमें ऊपर जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे बस गुजारा लाइक है, बस एक नाम बन गया है बाबू सर टॉप, ऊंचाई एक सबसे ऊपर है। ठंडा है लेकिन सर्दी में मत आना भाई, सर्दी में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, सितंबर के बाद तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ी होती है। टाटा उल्टे सीधे सब बुरा भाई, डर ही नहीं है, हम बैठ जाए भाई तो फट गई। खैर भाई यहाँ पे कुछ खापा करते हैं। क्या बना रहे हो? कॉफी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। अभी हमारे लिए क्या बना रहे हो? आपके लिए चाय बनाते हैं। बना देना यार, अच्छी तो वीडियो में भी आ रहे हो तुम,
देख लो भाई की शक्ल, चाय भाई यहीं से पीना अगर अच्छी बनी तो। असल में मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, इसका थोड़ा सा मक्खन लगा दिया जाए ताकि हम आपको चाय चाय जो है वो अच्छी बना के पिला दे, वरना ये पानी वाली पिलाते हैं यहाँ पर 100-120 रुपए की चाय और ऐसी महंगी देते हैं और बिल्कुल पानी वाली चाय। बस ये मकसद था, मक्खन लग जाए थोड़ा सा चाय चाय अच्छी बना दे। लेकिन खैर आप आओ तो मेरी बेटी धूप तो पी लेना, कैसे जाएगा अच्छा बंदा। चलो हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं चाय चाय पी के। चलो भाई हम लास्ट से काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र बाकी है। हमने सोचा जब तक खाना पीना कर लें छोटे छोटे ढाबे पे, क्योंकि आगे खाना पीना कुछ नहीं मिलना। यहाँ पर पानी नल के नहीं होता, पानी जारी और सारी होता है। हाँ ऐसे खिलो आप। भाई एक पॉइंट पे आके रुके हम, क्योंकि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये मेरे बिल्कुल साइड में आप देख रहे हैं, ये हिमालय माउंटेन है, ये हिंदू कश माउंटेन है, और बीच में भी एक और कोई माउंटेन है, उसका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा, जो कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी पहाड़ियाँ हैं। हमारी पाकिस्तान की हिमालय वो आपस में जहाँ इख्तिताम हो रही हैं या स्टार्ट हो रही हैं वो एक ही पॉइंट पर आके हो रही हैं। तो वो ये मकाम है, खूबसूरत मनाजर लोगों की यहाँ पे अंदर चल रही है। गर्मी बहुत है, आइसक्रीम खानी चाहिए इसी बात पे ले लिए, और ये ज़रा फैमिली को देते हैं, थकार के बैठे हैं वो भी, गाड़ी के अंदर ही है, पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ेगा उनको भी, सामने ही बैठे हैं। चलो आइसक्रीम लेके जाते हैं उनको देते हैं और आपसे बताते हैं कि आगे का क्या सीन है। सीन ये है, पहले तुम चले जाओ भाई। ये है कि भाई हम गिलगित जा रहे हैं, आज हम वहीं पर स्टे कर रहे हैं क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हुई है। हमें जाना था नंडल वैली, आज वो कंप्लीट करके हंजा के अंदर स्टे करना था, लेकिन लैंड स्लाइडिंग हो गई, उसमें तकरीबन 2 घंटे लग रहे हैं सारी चीज़ें सेट होने में, तो तभी हमारा सारा टाइम उसमें निकल जाएगा, आज का दिन हमारा ज़ाया हो जाएगा, नंडल वैली हमारी ज़ाया हो जाएगी। तो हमने ये सोचा है कि आज हम गिलगित में स्टे करते हैं, आज का दिन थोड़ा स्किप कर देते हैं, कल ये नल्टर वैली में टाइम दे देंगे, पूरा दिन दे देंगे, और कल के दिन या तो हंजा निकल जाएँ रात में या वहीं पर स्टे कर लें, फिर दूसरे दिन सुबह हंजा के लिए हम निकलते हैं, हंजा के पॉइंट जो जो हैं हमारे वो घूमें। तो खैर अभी बहुत गर्मी हो रही है भाई, ऊपर थे सर्दी से कांप रहे थे, नीचे आए गर्मी, ऐसी गर्मी ना पूछो, 40 सेंटीग्रेड लाजमी होगा 110%। तो खैर चलते भाई स्टे करने गिलगित, तो आ रहे हैं भाई गिलगित वालों, इस्तकबाल के लिए तैयार रहो हमारा। तो भाई गिलगित पहुंच चुके हैं और ये अंदर जा रहे हैं होटल के अंदर, देखते हैं क्या सीन्स हैं होटल के। आज तो गिलगित की मार्केट में घूमना है, और यहाँ पर एक दोस्त भी है मेरा कुमैर, उससे रब्ता करते हैं कि वो है कि नहीं है यहाँ पे, अगर होता है तो उससे मुलाकात करते हैं, बाकी चलते हैं अंदर। भाई व्यू तो बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, जैसा लग रहा है कि बंगले के घूम रहे हैं, और जाहिर है बहुत महंगे भी होंगे, रेट मालूम करेंगे, नहीं समझ आया तो फिर ये भी होटल है वहाँ जाएंगे देखते हैं। मैंने मन ऊपर रख दिया है, और सीन ये था कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा था, बस ये कि अब रूम में जाते हैं थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मार्केट निकलेंगे, दोस्त से कॉल करके अगर वो मिल गया तो ठीक, वरना मार्केट निकलेंगे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग देखेंगे। चलो भैया जा रहे हैं गिलगित मार्केट को एक्सप्लोर करने, देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। कार भी आ गई है भाई, चलो अबे रुक 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 रुक। भाई इस वक्त हम गिलगित के बाड़ा मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और बहुत बड़ी मार्केट है देख सकते हैं आप, ये पूरी आगे तक मार्केट जाएगी, और इसके अंदर सीन ये है कि यहाँ पर सारा इंपोर्टेड माल होता है, यहाँ का कुछ बनाया हुआ नहीं होता, हमारे कराची लाहौर कहीं से कुछ नहीं आया हुआ होता, सारा इंपोर्टेड होता है, सारा माल बाहर का होता है। देखते हैं क्या क्या सीन होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जो समझ आए वो भी ले लेंगे, उठा लेंगे, दोनों के अंदर ब्लॉग ही बनाएंगे, बस बना लीजिए, बनानी थी मार्केट, दिखानी थी दिखा ली, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ के मशहूर गिलगित के मोमोज, नहीं मोमोज ममतू नाम है इसका,
टेस्ट करते हैं भाई, भाई लेकर आए हमारे लिए गिलगित के अंदर। लेकिन ढाबे पे आ चुके हैं और गिलगित का ढाबा है ये, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट में वो जायका है ही नहीं ऐसे भर भर के। तो कल हमने रेस्टोरेंट में खाया और ऐसा कोई खाना, ऐसा कोई थर्ड क्लास जो मतलब खाया नहीं गया, इतना कोई बुरा बना हुआ था। खैर खाने की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं मज़ा आया ना यार। तब सीन ये कि पार्क होटल के सामने छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आए हैं, खाना वाना खाते हैं, मार्केट घूम लिए। मार्केट में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कराची में होता है वही, बल्कि कराची से ही हमें धोखे में रखा गया था कि भाई ये इम्पोर्टेड माल है, वो कराची वाला ही माल यहाँ पर सारा आ रहा होता है, हमने अंदर से पता किया। ये सीन्स हैं यहाँ पे गिलगित के अंदर। खाना वाना खाने बैठते हैं और उसके साथ आपको ऑर्डर वगैरह करते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।